बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ये मैकरोनी फ्रूट सैडलेट बनाया है जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। शादी ब्याह पे बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और बनाते भी हैं हर शादी पे। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। तो चलें आपको भी बताते हैं ये हमने कैसे रेडी किया। रहीम सब देखने सुनने वाले बहन भाइयों को आयशा नूर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मैकरोनी सैलड जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। शादी ब्याह पे बहुत ये पसंद आता है सबको, शादियों पे भी बनता है और वैसे भी लोग घर में बनाते हैं तो ये बहुत ही मज़े का होता है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें आपको भी बताते हैं ये हम कैसे बनाएँगे। तो चलें, ये मैंने अंगूर ले लिए हैं, ये 1 कप लिए हैं, ये 2 सेब लिए हैं और ये 1 टिन कॉकटेल का लिया है मिक्स फ्रूट कॉकटेल और ये पिसी हुई चीनी ली है 2 टेबलस्पून। आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, घर पे भी बनता है, हमारे चैनल पे है लेकिन हम चीनी ही डालेंगे। तो ये क्रीम का 1 पैकेट लिया है और जितनी क्रीम है उतनी ही मायोनीज ली है। तो ये 4 केले ले लिए और ये 1 कप मैकरोनी बॉयल कर लिए। तो चलें आप शुरू करते हैं, हम क्रीम डालेंगे इसमें, अच्छी तरह से साफ कर लें। 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और 1/4 टीस्पून ही नमक डालेंगे, 2 टेबलस्पून ये डाल के मिक्स करेंगे इसको, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें हम इसमें ये मैकरोनी डालेंगे, ये भी डाल देंगे। इसको मैंने निकाल के धो लिया था। अंगूर भी डाल देंगे, थोड़े से रख लेंगे ऊपर डालने के लिए। 1 सेब भी डालेंगे, 1 कप कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से। हम डालेंगे इसमें, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही मज़े की। तो ये भी डाल देंगे हम। मैकरोनी सैलड बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है और कितना ज़्यादा ये बन गया। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश फ्रूट ही डाल सकते हैं, कॉकटेल ना डालें, फिर भी ये बहुत मज़े का और बहुत ही टेस्टी है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके बताएँ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलें मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखें कितना खूबसूरत और कितना ही ये टेस्टी बनता है सैलड, फ्रूट सैलड, मैकरोनी फ्रूट सैलड। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखें कितना है, अच्छा लग रहा है और ढेर सारा बन जाता है थोड़ी सी चीज़ों से। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।